आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question is, the energy required to accelerate a car from rest to 10 meter per second is W. The energy required to accelerate the car from 10 meters per second to 20 meter per second कितना रहेगा? ठीक है? तो हमको बोला कि जो energy required है कि 0 से अगर 10 meter per second velocity कर दी तो वो है W. तो energy कितनी चाहिए होगी अगर accelerate करना है कार को 10 से 20 तक? ठीक है? तो by बोल सकते हैं, by work energy theorem, by वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगा। ओके, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है वही मेरा वर्क रहेगा। ठीक है, जो भी मेरी एनर्जी रिक्वायर्ड है वही मेरा क्या है, वर्क। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। मैं से लिख सकता हूँ, इनिशियल स्क्वायर वेलोसिटी जीरो थी, रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो ये कितना रहेगा, जीरो। तो मेरे पास जो W आएगा हाफ एम टेंथ का स्क्वायर, यानी कि 50 m जूल्स, यानी कि वर्क जो डन हुआ, यानी कि एनर्जी स्पेंट हुई है वो कितनी, 50 m, m के मास। ओके, अब दूसरी कंडीशन है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट द कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक एक्सीलरेट करने में जो कितना एनर्जी यूज होगी, मैं उसको लिख सकता हूँ W डैश, वो रहेगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली वैल्यूज पुट करूंगा, हाफ एम ये बाहर आ जाएगा, वी फाइनल स्क्वायर कितना, 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास यहाँ से वैल्यू सॉल्व करने पाएगा, फिर 150 m। तो मेरे पास जो W डैश एनर्जी रिक्वायर हो रही है वो कितने रहे, 150 m। अब मुझे इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, W के टर्म्स में। ठीक है, मैं 150 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 50 m। अब 50 m कितना है, क्वेश्चन में हमने निकाल रखा है 50 m है W। तो यानी मैं बोल सकता हूँ जो एनर्जी रिक्वायर हो रही है, जो कि एनर्जी वर्क वही एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, एनर्जी है वही, वो कितनी रहेगी, 3 times W। W क्या है, जो कि एनर्जी स्पेंड हुई थी 0 से 10 meter per second तक लाने में ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो मेरे पास वर्क कितना लग रहेगा, मतलब एनर्जी कितनी स्पेंड होगी, 3 W। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।